कोरोना की बढ़ती चुनौतियों के बीच विपक्ष का हल्ला बोल भी लगातार जारी है। एक बार फिर से कांग्रेस अटैकिंग मोड में। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों पर टीकाकरण की जिम्मेदारी देकर खुद पल्ला झाड़ लिया। कोरोना के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ रहा है, सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन विपक्ष बढ़ते मामलों को लेकर लगातार हमलावर है। सोनिया गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों पर टीकाकरण की जिम्मेदारी देकर खुद पल्ला झाड़ लिया है। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने आज अपनी पार्टी की बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। बैठक के दौरान सोनिया गांधी अटैकिंग मोड में नजर आईं और लगातार केंद्र को घेरती रहीं। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जाहिर करते हुए सोनिया गांधी ने चिंता जाहिर की और मौजूदा मोदी सरकार पर निशाना साधा। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने मांग की कि केंद्र सरकार देश के सभी लोगों को मुफ्त में टीका उपलब्ध करवाए। इसी के साथ सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों पर टीकाकरण छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। मैं केंद्र से मांग करती हूं कि देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिले। इससे पहले लगातार कांग्रेस मोदी सरकार पर कोरोना को लेकर निशाना साध रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी रोजाना ट्वीट के माध्यम से सरकार की मुखालफत कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। बहरहाल एक ओर कोरोना से जंग जारी है, दूसरी ओर सियासत की जंग भी अपने चरम पर है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।